हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे CITS का मॉप अप राउंड। तो दोस्तों मॉप अप राउंड जो है कि कल ही हुआ था, तो मॉप अप राउंड का जो लोग कॉलेज चुन लिए थे उनको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपका अलॉटमेंट कैसे चेक किया जाएगा। और इस वीडियो में दोस्तों लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसमें बताया गया है कि बताएंगे एक वीडियो के बारे में जिसमें बताया गया है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तब आपको क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, क्या क्या प्रोसेस करने होंगे नियरेस्ट NSTI पे जा करके। तो इसका जो है कि वीडियो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, उसको जा करके आप देख सकते हैं या आई बटन पे यहाँ पे जो है कि एक बटन आएगी उस पर क्लिक करके भी जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या जो है कि NSTI पे आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कैसे जो है कि अपना मॉप अप राउंड का रिजल्ट आ गया तो कैसे आप चेक करेंगे। तो सबसे पहले वेबसाइट पर आएंगे, वेबसाइट पर आने के बाद लॉग इन हियर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए लॉग इन हियर पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कि आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पूछा जाएगा और आपका जो है कि मोबाइल नंबर। तो रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। एक बात ध्यान रहे, अगर आप मोबाइल से यूज करें, क्रोम में यूज करें, तो 3 डॉट पे क्लिक करके आप सबसे पहले जो है कि इसको डेस्कटॉप मोड कर लीजिए। डेस्कटॉप जैसे मैंने यहाँ पे चेक कर रखा है, तो इस तरह का जो है कि आप चेक करके डेस्कटॉप मोड कर लीजिए, तभी आपका जो है कि सही से खुलेगा। तो चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने के बाद सब आपको जो है कि यहाँ पे कैपच डालना होगा। कैपच डालने के बाद जो है कि आपको लॉगिन पे क्लिक करना। चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह का कुछ फेस फुल करके आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको कॉलेज मिल जा रहा है तो यहाँ पे आपको लिख दिया जाएगा कि यू गॉट प्रोविजनली एडमिशन इन योर चॉइस एट भोपाल ITUT, यानी जो भी आप चूज़ किए रहेंगे आपका चूज़ यहाँ पे दिखा देगा और डाउनलोड एडमिशन रिसिप्ट के लिए आपका फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इनका जो है कि ITUT भोपाल मैंने डाला था क्योंकि यहाँ पे इनके मिलने के चांसेस ज़्यादा बन रहे थे और जो है कि इसलिए मैंने इनका जो है कि यहाँ पे डाला था, तो इनका जो है कि एडमिशन ITUT भोपाल में हो गया। तो इस तरह भी आपका भी अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे जो है कि आपको लिख जाएगा कि नहीं हो पाया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड रिसिप्ट कर करके टेक प्रिंट आउट एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एट नियरेस्ट NSTI। तो आपको जो है कि नियरेस्ट NSTI कोई भी नज़दीकी NSTI में जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो इस पे जो है कि एक वीडियो हमने बना दिया कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, क्या क्या प्रोसेस से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह की एक वीडियो बना दिया हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो मिल जाएगी या यहाँ पे आई बटन रहेगी वहाँ पर जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और जो है कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि कैसे जो है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। तो बस दोस्तों यही था इस वीडियो में, वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।